नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पलामू जिले के पाकी प्रखंड के सगालिम राजकीय कृत मध्य विद्यालय की अलग पहचान है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी स्वयं को ऐसा महसूस करते हैं कि वह किसी सरकारी विद्यालय में नहीं बल्कि कोई बड़े विद्यालय में पढ़ते हों। इस तरह की ऐसी व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। पूरे विद्यालय के कमरों को इस तरह रंगरोगन कराया गया है कि बाहर से देखने वालों को ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई ट्रेन रुकी हुई है। वही विद्यालय की सजावट भी अलग तरीके से की गई है। विद्यालय की साफ सफाई को देखते ही बनती है। अभिभावकों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस विद्यालय को स्टूडेंट एक्सप्रेस नाम दिया गया है। इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने का श्रेय यहाँ के प्रधानाध्यापक अजित कुमार गिरी और विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष अरुण साव और समिति के सदस्यों को जाता है। उनकी इच्छा शक्ति के बल पर इस विद्यालय का रंग रूप में बदलाव दिख रहा है। पाकी प्रखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 265 है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजित कुमार गिरी ने बताया कि विद्यालय में रंगरोगन के इस कार्य की प्रेरणा उन्हें वीडियो क्लिप के द्वारा मिला है। इस कार्य के लिए विद्यालय में कार्यरत प्रबंधन समिति के सदस्यों का योगदान सराहनीय है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयासरत हैं। विद्यालय के प्रधान अध्यापक अजित कुमार गिरी ने बताया कि विद्यालय में 265 नामांकित बच्चे हैं, जबकि विद्यालय मात्र 4 शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में आधारभूत सुविधाएं, विशेषकर छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की कमी है। विद्यालय में छात्र छात्राओं की सुरक्षा और विद्यालय के रखरखाव की सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक 4 दीवारी की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभाग इस विद्यालय में छात्रों का अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था और 4 दीवारी की व्यवस्था करा दें तो छात्र छात्राओं का सुरक्षा और पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास हो सकेगा। 1-1.5 साल पहले हमने एक वीडियो क्लिपिंग देखा था, उसमें ट्रेन का बोगी दिखाया गया था स्कूल में, जो रंगरोगन का कार्य हुआ था, एकदम बोगी की दिशा ही था। हमको बहुत जो है सो मन में अच्छा लगा, तो हमको लगा कि पिछला बार तो नहीं कर सके, लेकिन इस बार लगा कि हम कुछ करें। और इस कार्य के लिए हमारे प्रबंध समिति के सदस्य, विशेषकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष भूमिका का सराहनीय योगदान रहा है, और हम चाहते हैं कि इसी तरह का कार्य विद्यालय में होता रहे, समिति के सदस्यों ग्रामीण लोगों का सहयोग मिलता रहे, तो मैं विद्यालय को और आगे भविष्य में ले जाना चाहता हूँ विकास के पथ पर, और छात्र छात्राओं को भी सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने के लिए ललायित हूँ। शिक्षकों का छात्र के अनुपात में अभाव है और 4 दीवारी नहीं है, जो बच्चों की सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। और अगर आसपास के लोग अभी इधर से गुजरते रहते हैं तो विद्यालय के सामने वाले भवन को देख करके काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आसपास में अभी यह इकलौता विद्यालय ऐसा पेंटिंग के कार्य में, लोगों के कार्य में आगे है, और भविष्य में भी हम इसी तरह का कार्य अगर करते रहे तो समिति के सदस्यों और ग्रामीणों का सहयोग मिलता रहे तो फिर हमको और खुशी होगी और इस विद्यालय को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। टीचर का दिक्कत जो है, मेरे पास बच्चा छात्र छात्राओं का अनुपात, मेरे पास टीचर उपलब्ध नहीं है, जो कि पढ़ाई पर हमको दिक्कत हो रही है, रूटिंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और स्कूल का बाउंड्री छरदवाली का कमी है, जो विभाग का चीज़ है। विभाग से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग के टीचर और बाउंड्री दिया जाए, एकर बाद हम लोग स्कूल को और इससे बेहतर बना करके रखने का प्रयास मेरा रहेगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए पलामू से चंद्रदेव प्रजापति की रिपोर्ट।